हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS Maths पे, जहां पे मैं अपलोड करता हूं BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के टॉपिक्स। और यहां पे आपको हायर मैथमेटिक्स एंड हायर फिजिक्स के सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके देखें, विजिट करें चैनल को कि हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज सभी वीडियो को कैसे अरेंज कर रखा है। जरूरत पड़ने पर आप उनका यूज भी लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेक्टर कैलकुलस के लिए है BSc फर्स्ट ईयर में इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की हम दो इंपोर्टेंट थ्योरम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम एंड इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ f एंड g आर टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन प्रूव दैट। देखो मैं आपको बता देता हूं डाइवर्जेंस क्या होता है। अगर आपको ये देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब यहाँ पे जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा किसका होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर फंक्शन के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस माइनस जी। अब डाइवर्जेंस होता है उसको डेल ऑपरेटर के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक लेप्ला जो हमारे पास में डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, i डो अपॉन डो x प्लस क्या होता है, j डो अपॉन डो y प्लस ये हो जाएगा k डो अपॉन डो z हो जाएगा। और इसके साथ में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे f प्लस माइनस जी। ये कोई दो वेक्टर फंक्शन है। फिर क्या करेंगे हम यहां से इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट होगा इनका। अब हम इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ओके बीच में यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम इसका कर लेते हैं तो बेसिकली इसका हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ओके तो हम यहाँ से जो है वो इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट के बिना यहाँ पे ये जो है वो होता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं इसका तो ये हो जाता है आई डॉट। अब देखो यहाँ पे हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एफ वाली टर्म का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा आई कैप डॉट एफ डो एफ अपॉन डो एक्स प्लस ये हो जाएगा जे कैप डॉट डो एफ अपॉन डो वाई प्लस ये हो जाएगा के कैप डॉट डो एफ अपॉन डो एक्स सॉरी जेड। सिमिलरली हमारे पास में जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस जेड के लिए जी के लिए भी तो होगा ना, तो लिखेंगे प्लस माइनस आई कैप डॉट डो जी अपॉन डो एक्स। फिर हो जाएगा प्लस माइनस जे कैप डॉट डो जी अपॉन डो वाई। फिर हो जाएगा प्लस आई के कैप डो डॉट डो जी अपॉन जेड हो जाएगा। ओके तो अब हम क्या करेंगे कि ये जब हमने ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है इसको हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस माइनस जी। ये भी हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस माइनस जी इज इक्वल टू डेल डॉट f ही डाइवर्जेंस होता है। ओके डेल डॉट f प्लस जी लिखना चाहिए बेसिकली मेरे को यहाँ पे डेल डॉट f प्लस जी लिखना चाहिए था। चलो यहाँ पे अभी भी लिख लेते हैं डेल डॉट f प्लस जी होता है ये। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेल डॉट f प्लस माइनस जी डेल डॉट f प्लस माइनस जी डेल डॉट f प्लस माइनस ये हो जाएगा जी। ओके अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शन आ गया आपके पास में ये क्या हो जाएगा। ये बेसिकली होता है डाइवर्जेंस ऑफ f। इसको हम क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस माइनस क्या लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ g लिख देंगे। इट मीन्स डेल डॉट f प्लस माइनस g इज इक्वल टू डेल डॉट f प्लस माइनस डेल डॉट जी। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, आप देख सकते हैं यही चीज हमको प्रूफ करनी थी और वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना, डाइवर्जेंट फाइंड करना है। डाइवर्जेंट फाइंड करके दोनों की वैल्यू को आपको अलग अलग लिखना है और अलग अलग लिखने के बाद में यहाँ से इनको सेपरेट करके आप डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट थ्योरम इससे भी ज्यादा इजी है कि इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम नंबर टू इफ ए इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर फंक्शन। देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि ए जो है ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेक्टर फंक्शन। ए जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट वेक्टर फंक्शन है। तो ए कॉन्स्टेंट है तो हम इसका फायदा लेंगे। क्या फायदा लेंगे तो वो आप यहाँ पे देखें, हम इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ हो जाएगा,
फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेक्टर, ओके कॉन्स्टेंट वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम कॉन्स्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इट मीन्स जब हम उसका डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, उसका हम जो डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो हमको डेल ऑपरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेयर हेयर डो ए अपॉन डो एक्स इट विल बी जीरो इज इक्वल टू डो ए अपॉन डो वाई इज ऑल्सो जीरो एंड डो ए अपॉन डो जेड जीरो बिकॉज ए इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर। तो अब हम यहाँ से अगर डाइवर्जेंट फाइंड करते हैं ए या फिर हम लिखते हैं डेल डॉट ए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आई कैप डो ए अपॉन डो एक्स प्लस जे कैप डॉट डो ए अपॉन डो वाई प्लस के कैप डॉट डो ए अपॉन डो जेड। फर्दर हमारे पास में इनकी वैल्यूज हैं तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुट दी वैल्यूज। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं डाइवर्जेंस जीरो प्लस जीरो, ओके जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है हमारे पास में और इन दोनों थ्योरम्स को हमने इस एक वीडियो में कंप्लीट किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड फुल कोर्स ऑफ द PSC और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स।